हेलो दोस्तों, आज एसके पिजन लव डेली अपडेट का डे 22 है। आज मैंने कल बताया था कि कल ठंडी बहुत बढ़ गई थी, तो कल से ही बारिश हो रही थी, अभी रुकी है। तो अब थोड़े से कबूतर बाहर निकाल देते हैं। आप चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हो, और वैसे तो मैं बोलना चाहता हूँ कि नहीं निकालें, क्योंकि इतनी ठंडी में कबूतर बीमार हो सकते हैं। देखिए आप, पूरी छत भी गीली है। तो अभी हमने थोड़ा कबूतरों को निकाल दिया, और आज इतनी ठंड बढ़ गई है कि कबूतरों को गर्म पानी देना पड़ गया है। तो एंडिंग में मैंने कबूतरों को गर्म पानी दिया, तो गर्म पानी कैसे देते हैं वो भी आप एंडिंग में देख लेना, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। अब मैं जाके इनका पानी वानी सब बदल दूँगा। ये देखो, ये मैं लिया इनके लिए पानी, ये फेंक देंगे। सबसे ज़्यादा केयर इनकी ठंडी में ही करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म जानवर है। इसलिए अभी आप ये देखिए कितने एक्टिव है सारे कबूतर इतनी ठंड में भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आपके यहाँ भी क्या है अभी मुझे नहीं पता, तो अभी आप देख लेना उसके हिसाब से। और लॉफ्ट की साफ़ सफाई पूरी सही से रखना। ये देखिए कितने एक्टिव है सारे कबूतर, कोई भी बीमार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो रोज़ देखा करो, क्योंकि मैं सब बताता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए इनके साथ। सारी दवाइयाँ वाइयाँ मैं सब देता रहता हूँ। गर्म पानी में कैसे देते हैं वो भी अभी बताऊँगा। ये देखिए किस मोटर है, सारे एक्टिव है, इसमें कोई एक भी बीमार नहीं है। और कितनी भी ठंड पड़े कोई बीमार होगा भी नहीं। ये देखिए पूरा लॉफ्ट भी पैक कर दिया है मैंने, जो खिड़की विड़की थी लॉफ्ट में वो सारी पैक कर देना आप भी। अब क्या हो तो लॉफ्ट नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेटी को अच्छे से पैक कर देना चारों तरफ से। ये देखो अब सारे अंदर चले आएंगे। देखो कोई भी एक भी बीमार नहीं है। अब देखो ये गर्म पानी है, ये गर्म पानी को आप जो पानी डालते हो उसमें मिक्स कर लेना, और अच्छा गर्म पानी रखना, और हाथ लगा के देख लेना नॉर्मल हो जाए तो ही कबूतर को देना, गर्म पानी नहीं देना ज़्यादा। और इसको पैक कर वो कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा गर्म पानी भी देने से कबूतर मर सकता है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल पानी देना, हल्का सा गर्म देना, ज़्यादा नहीं। ये देखिए पहले कबूतर को दाने डाल देना, फिर थोड़ी देर बाद ये पानी रख देना, और पानी थोड़ा कम ही रखना, जितनी ठंड में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए कबूतरों को। ये देखिए सब पानी पी गए, अब कोई एक भी बीमार नहीं पड़ेगा आपका कबूतर भी। और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मैंने बंद कर दिया, अब बाहर वालों को भी दे देंगे। आपके यहाँ जितने भी कबूतर हैं उसके हिसाब से आप पानी दे देना, और थोड़ा कम ही देना, और देख लेना एक बार हाथ से नॉर्मल पानी देना है, ज़्यादा गर्म नहीं देना, उससे कबूतर मर सकता है। ये अब पी लेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।